हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को कम ज़्यादा कैसे हम कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये है LT, यहाँ पर वोल्टेज आएगी 230 वोल्टेज, और ये है 500 KVA का ट्रांसफार्मर। अगर आपकी फैक्ट्री बंद है तो भी ट्रांसफार्मर आपका पावर फैक्टर बिगाड़ सकता है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर KVR को डायरेक्ट जोड़ा जाता है। पावर फैक्टर भी ये बिल्कुल ठीक रहता है, जो कि 10 KVR होता है। देखिए 10 KVR हमने 500 KVA के ट्रांसफार्मर डायरेक्ट लगाया हुआ है। और अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर के ऊपर ये देखिए घूमने वाला एक स्विच होता है, इसे टेप चेंजर कहते हैं। 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, अब ये 3 पे है। मैं जैसे ही इसको 4 पे करूँगा वैसे ही वोल्टेज बढ़ जाएगी, ये देखिए। लेकिन इसको तब करना है जब हम इस ट्रांसफार्मर की लाइन काट देंगे। जी हाँ, 11K की वोल्टेज है जो पहले हमें काट देनी है, ना कि चलते ट्रांसफार्मर के अंदर हमें इस टेप चेंजर को कम ज़्यादा करना है। ऐसा कभी मत कीजिएगा, लाइन काटने के बाद ही आपको इसे कम ज़्यादा करना है। देखिए इसे टेप चेंजर कहते हैं। मैं दोबारा दोस्तों मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए इसे ऐसे खींचिए, और अभी ये 3 पे है। जैसे हम इसको 4 पे ले जाएंगे वोल्टेज बढ़ जाएगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए। अब मैं जैसे ही 3 पे करूँगा वोल्टेज कम हो जाएगी, अगर मैं इसको 2 पे करूँगा तो और वोल्टेज कम हो जाएगी। जी हाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।